एवरीवन, मैं हूँ रितु और आ गई हूँ मैं फोप्ले के एक दूसरे एपिसोड में। देखिए, फोप्ले ना मुझे बहुत पसंद है पर्टिकुलरली, इसीलिए मैं ना इस टॉपिक पे बहुत सारे वीडियोस बनाती हूँ। पता है मैंने इसका आंसर क्यों दिया? क्योंकि बहुत लोग मुझे मेल में ये क्वेश्चन करते हैं कि मैं आप पर्टिकुलरली फोप्ले पे इतना वीडियो बनाते हो। रीज़न ये होता है कि ये आपके इंटीमेट लाइफ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे पेड़ को बढ़ा करने के लिए पानी की ज़रूरत होती है, पानी उसकी ज़िंदगी होती है, वैसे ही इंटीमेट रिलेशनशिप को हेल्दी रखने के लिए, उसको ग्रो अप करने के लिए फोप्ले से की होता है, आप ये समझ सकते हो। उसके अलावा इंटीमेट रिलेशनशिप ही नहीं है भाई, कुछ और प्रोसेस है, डिस्चार्ज प्रोसेस है। खैर, आज मैं उस फोप्ले का ही एक अहम हिस्से के बारे में बात करने वाली हूँ, विच इज़ हमारा मुंह, हमारा टंग, यानी कि हमारी जीव। वो कैसे आपके फोप्ले पे चार चांद लगा देगा? जी हाँ, इस वीडियो में हम वही डिस्कस करने वाले हैं। देखिए, बात में आज घुमा फिरा के बिल्कुल नहीं बोलने वाली हूँ, स्ट्रेट फॉरवर्ड वीडियो बनाने वाली हूँ। क्योंकि कुछ लोगों ने ये शिकायत की है कि मैं वीडियो बहुत लंबा बनाती हूँ, क्या करूँ यार, जब भी कोई बात बोलने जाती हूँ ना मैं कुछ वीडियो, तो स्क्रिप्टेड नहीं करती, जो भी मुँह में आता है कैमरा लगा देती हूँ और बोलना शुरू कर देती हूँ, और कुछ बच्चे कुछ चीज़ एडिट करके निकाल देती हूँ, इसीलिए फ्लो में बनाती हूँ ना, तो वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाती है, एडजस्ट कर लेना। देखिए, हमारी जो टंग होती है ना, वो ऐसे फोप्ले पे हेल्प करता है, जैसे कि मैं बोल रही हूँ ना कि वो एक टर्न ऑन का स्विच होता है। हमारी जीव जो होती है वो टर्न ऑन का स्विच होता है। स्टार्टिंग किस पे आप एक चीज़ गौर करोगे, अगर आप किस करना बहुत पसंद करते हो ना, तो बहुत बार उसमें हमारी टंग आ जाती है। अगर स्पेशली खास तौर से अगर आप डीप किस करना बहुत पसंद करते हो। खैर, बहुत सारे कपल तो शादी के 2 साल बाद ही किस क्या चीज़ होती है, किस चिड़िया का नाम होता है, भूल ही जाते हैं। बट पर्टिकुलरली किस एक ऐसी चीज़ होती है जो आज क्या 10 साल बाद भी आपको कुछ सेकंड का किस ही टर्न ऑन करने के लिए काफ़ी होता है, चाहे वो फीमेल हो चाहे मेल हो। बट मेल पार्टनर अक्सर अपने फीमेल पार्टनर को किस करना ही भूल जाते हैं, अभी ये बोल सकते हो कि छोड़ देते हैं, रीज़न यूज्ड टू हो जाना। बट यही किस में, डीप किस में जब आप टंग का इस्तेमाल करते हो ना, तो वो बहुत ही उत्तेजना भरा होता है। ये पहला हो गया। दूसरा, जिससे आप अपने जीभ का इस्तेमाल कर सकते हो, बहुत सारे मेल पार्टनर को अपने हाथों से, प्यारे प्यारे हाथों से फीमेल पार्टनर के ब्रेस्ट के साथ खेलना पसंद होता है। और आप मान लो कि वही उंगलियों की जगह अगर आप अपने टंग का इस्तेमाल करो, तो फीमेल पार्टनर को अगर 10 मिनट लग जाएगा उसको उत्तेजित होने में, तो वही टाइम सिर्फ 3 या 4 मिनट का ही रह जाएगा। पता है क्यों? क्योंकि हमारे जीभ इतना ज़्यादा सेंसेशन पैदा करने के लिए काफ़ी होता है, जितना हमारी सोच भी नहीं पहुंच पाती। तो इसीलिए ट्राई करें कि अपनी उंगलियों की जगह इसको रिप्लेस करें अपनी जीभ के साथ, ट्राई करें। तीसरी, बहुत सारे मेल पार्टनर ऐसे होते हैं जो बड़ी बारीकी से फोप्ले में इन्वॉल्व तो होते हैं, बट वो जहाँ पे सेंसेशन फीमेल की पैदा होती है, आई एग्री, जैसे कि बैक नेक एरिया हो गया, जैसे कि नावल का हिस्सा हो गया, या फिर जैसे कि लोअर एब्डोमेन या बैक लोअर एब्डोमेन हिस्सा हो गया। बट इसी हिस्से में अगर आप अपने जीभ का इस्तेमाल करते हो, तो फीमेल की सेंसेशन और बढ़ती है। वंस अगेन, जीभ जो होती है वो बहुत नाजुक हिस्सा होता है। आप उसी एरिया पे अगर गुलाब का फूल भी टच करवाते हो ना, जो बहुत नरम होते हैं, तो वो वही फीलिंग पैदा करता है जो आपकी जीभ पैदा करती है। इसीलिए जीभ का इस्तेमाल मैजिक की तरह काम करता है इन सारे सेक्टर्स में। एंड लास्ट पॉइंट इज ओरल परफॉर्मेंस, जिसके बारे में पता नहीं मैं कितनी सारी वीडियोज बना चुकी हूँ। जो मेल पार्टनर इस चीज को करते हैं ना, वही जानते हैं कि उन्हें क्या सुख मिलता है, और जो फीमेल पार्टनर भी इस चीज को करते हैं वो भी जानते हैं कि उन्हें क्या सुख मिलता है। वीडियो को आप, तो मैं हमेशा बताती हूँ कि क्लिट स्टिमुलेशन बहुत अच्छा होता है फीमेल्स के लिए। फीमेल तो समझ ही नहीं सकती, सोच भी नहीं सकती, इस लेवल तक उसे सुख मिल सकता है अगर कोई मेल पार्टनर बड़े बारीकी से क्लिट को स्टिमुलेट कर सके। और इन दैट केस अगर वो उंगलियों का नहीं अपने जीभ का इस्तेमाल करे, तो फीमेल तो स्वर्ग में पहुंच जाती है एकदम डायरेक्टली। तो इसीलिए फोप्ले के हर एक हिस्से में अगर आप अपनी उंगलियों की जगह या फिर दूसरे किसी चीज़ की जगह अगर आप अपने टंग का इस्तेमाल करते हो, तो इन दैट केस वो फोप्ले एक मैजिकल फोप्ले बन जाता है। बट यही बात होती है ना कि हर सिचुएशन में कंसेंट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। हर चीज़ में हम कौन सी जगह पे क्या पसंद करते हैं क्या नहीं पसंद करते, वो भी इंपॉर्टेंट होता है। बट फोप्ले के बहुत से हिस्से होते हैं, बहुत सारे हिस्से होते हैं। ज़रूरी नहीं है कि हम हर हिस्से में परफेक्ट हो। फोप्ले एक छोटा सा हिस्सा नहीं है, या फिर फोप्ले कोई छोटी सी चीज़ नहीं होती।
फोर प्ले में हम बहुत कुछ कर सकते हैं। मैं तो अपनी वीडियो में कुछ भी नहीं बताती हूँ, जो लोग इसमें एक्सपर्ट्स होते हैं ना वो तो पता नहीं क्या क्या बोलते हैं और क्या क्या करते हैं और क्या क्या करवाते हैं। मैं तो सिर्फ वही बोलती हूँ जितना हम कर सकते हैं अपने रियल लाइफ में। मैं तो सिर्फ उतना ही बोलती हूँ जितना हम करते हैं अपने रियल लाइफ में। मैं उतना ही बोलने की कोशिश करती हूँ, उतना ही समझाने की कोशिश करती हूँ। तो एंड ऑफ दिस वीडियो यही बात है कि जिस सिचुएशन में आपको लगे कि आप अपने टंग का इस्तेमाल कर सकते हो, आप एटलीस्ट कोशिश करो, चाहे वो फीमेल हो चाहे वो मेल पार्टनर हो। ट्रस्ट मी, ये एक ऐसी फीलिंग्स होती है, ये एक ऐसा एक्साइटमेंट होता है जो अगर आपको एक बार मिल जाए ना तो बार बार आप इसके लिए तरसोगे या फिर तरसते हो। और भगवान ने ये कला हमें पता है किस लिए दिया है, सिर्फ और सिर्फ रिप्रोडक्शन के लिए नहीं, ये कला भगवान ने हमें इसीलिए भी दिया है ताकि हम अपने बॉडी को काम डाउन कर सके, अपने फोकस लेवल को बढ़ा सके। ये काम मेडिटेशन से भी हो सकता है, ये काम रिटेंशन से भी हो सकता है, बट हमारी कॉन्सेंट्रेशन पावर आज के डेट में इतना हाई लेवल पे कहाँ कि हम मेडिटेशन करें उस लेवल पे या टेंशन करें। तो ये भी एक जरिया होता है जिस केस में हम अपने फोकस लेवल को बढ़ा सकते हैं, अपने डिस्ट्रैक्शन लेवल को कम कर सकते हैं, अपने स्ट्रेस डिप्रेशन लेवल को कम कर सकते हैं। तो वाई नॉट। अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।